सबको बटरफ्लाई करने का बाद प्राणायाम शुरू करना चाहिए, क्योंकि हाँ पैदल हो जो हो किए है आप बटरफ्लाई कीजिए। इसके बाद बैठ जाइए तो हाथ को छुराइए, कमर को छुराइए, बॉडी को छुराइए ऐसे, फिर आप शुरू करने जाएंगे कि प्राणायाम शुरू करने जाएंगे। प्राणायाम बहुत तरीके के होते हैं, अभी हम आपको देखेंगे एक एक दिन, आपको एक एक जैसे देखेंगे। अभी ध्यान से बैठ जाइए, ओंकार जप कीजिए 3 बार, उससे मन की शुद्धि होता है, मन शुद्धि होता है, शरीर शुद्धि होता है। उसके बाद 3 बार ओंकार जप करने के बाद आप कीजिएगा देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, 3 टाइम्स ओंकार जप अपनी करूँ, 3 बार ओंकार जप करूँ। इसके बाद भोस्त्रिका, सबको 5 मिनट भोस्त्रिका करना होगा। 5 मिनट भोस्त्रिका करने से आपका पूरा नासिका, 2 नासिका से प्राण वायु भर के लीजिए, पेट में नहीं जाएगा, फोफड़ों में लांस में सांस लेना है। भस्त्रिका 2 नाक से भर के लीजिए, 5 मिनट करके करना होगा। एक बार भस्त्रिका 5 मिनट के पहले कीजिए, उसका बाद आप अभी एखन अपनारा देखें एखन भस्त्रिका 2 नाक दिए सांस निए भस्त्रिका, भस्त्रिकार पर मन वायु प्राण वायु सब शुद्ध होबे भस्त्रिकार पर। पाँच मिनट भस्त्रिका करते हैं, 5 मिनट भस्त्रिका कर ले पुरोटाई फुसफुसिते থাকবে, তাতে কি হবে আপনার ফুসফুসিটা পরিষ্কার হবে। ভূত মৎস্যের কাটা अभी देख रहे हैं, कपाल भाती, पेट को दबाना है। अब जो ऐसे फूक फूक करके नहीं पड़ेगा, हम एक दिन आपको देखेंगे अंगुली से कैसे कपाल भाती किया जाता है। अंगुली से आप लोगों को कपाल भाती भी दिखाएंगे, आप लोगों अंगुली से अंगूठा आसन भी देखेंगे, अंगुला अंगूठा आसन, जिससे आपको शुगर एकदम पूरा शुगर का काम करेगा, ट्रैकियस चालू हो जाएगा। कपाल भाती के बाद फिर आप हाथ को छुराए बटरफ्लाई कीजिए, बटरफ्लाई करने से आपका आप जो इतना तक बैठ के करता है, 5 मिनट के बाद आपको छुराना होगा। हाथ को छुराइए, जे मैं जैसे छुरा रहा हो अब हाथ को छुराइए, आगे पीछे घुमाते रहिए, इसे गर्दन का पीछे ले जाइए, पकड़िए 2 हाथ को ऐसे घुमाइए। হ্যাঁ ভালো তো, তুই খাওনি কাজ বাদাম কোনো দিন খাওনি? ओ
আমার ঘরে তুমি 100 লোক ঢুকে গেলে।